YouTube channel. So in today's video, we are going to politically map the continent of South America. So let's begin. तो साउथ अमेरिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में और इसका शेप जो है लगभग एक ट्राइंगल की तरह दिखता है. आज हम इस मैप वर्क में ब्लैंक मैप हमने लिया है साउथ अमेरिका का और इसके कंट्रीज और उनके कैपिटल को हम इसमें फिल करने की कोशिश करेंगे ब्लैक मैप में. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं जो इसको सराउंड करती हैं. तो यहाँ पर है कैरेबियन सी. कैरेबियन सी इसके नॉर्थ वेस्ट में है. कैरेबियन सी इस तरफ है साउथ पैसिफिक ओशन. यहां पर है साउथ पैसिफिक ओशन. साउथ पैसिफिक ओशन और इधर है साउथ अटलांटिक ओशन. साउथ अटलांटिक ओशन और यहां पे आपको मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन. तो सबसे पहले जो हमें सबसे बड़ी कंट्रीज में दिख रही है वो है ब्राज़ील. ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया. तो ये है ब्राज़ील और इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? ब्राज़ीलिया. यहीं पर वो फेमस प्लेस है रियो डी जेनेरियो जहाँ पर हम सुनते रहते हैं कि अर्थ समिट हुआ था. साथ ही ब्राज़ील को हम कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट कॉफ़ी का प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट आयरन ओर भी यहीं हमें मिल जाता है. यहाँ पर जो इसके सेरो कराजस हिल्स हैं वहाँ पर हमें लार्जेस्ट आयरन ओर भी मिलता है. तो कॉफ़ी का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और आयरन ओर का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील. फिर हम इधर आते हैं. ये जो कंट्री हमें दिख रही है ये कंट्री है पेरू. पेरू का कैपिटल है लीमा. पेरू का कैपिटल है लीमा. अब यहाँ पर आप देखेंगे ब्राज़ील और पेरू की यहाँ पे नीचे जो कंट्री है ये कंट्री है बोलीविया. बोलीविया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लापाज है और जुडिशियल कैपिटल जो है वो है सूक्रे. जुडिशियल कैपिटल कौन सा है? सूक्रे. तो दो कैपिटल्स हैं बोलीविया के, एक है लापाज और एक है सूक्रे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये जो लॉन्ग सा आपको कंट्री दिख रहा है ये कंट्री है चिली. कौन सा कंट्री है ये? चिली. चिली का कैपिटल क्या है? चिली का कैपिटल है सैंटियागो. चिली का कैपिटल है सैंटियागो. यहीं पर आपको वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस मिलता है अरेका और ड्राइएस्ट डिजर्ट भी एटाकामा डिजर्ट भी यहीं पर है, चिली में ही है. ये सब जब हम फिजिकल मैप करेंगे तो उसमें ये सारे डिजर्ट और फिजिकल फीचर्स भी डिस्कस करेंगे. अब चिली के ईस्ट में जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना. चिली के ईस्ट में जो कंट्री दिख रही है ये कंट्री है अर्जेंटीना. इसका कैपिटल है ब्यूनोस एयरिस. ब्यूनोस एयरिस ये अर्जेंटीना है और ये इसका कैपिटल है. अब अर्जेंटीना के ईस्ट में जो छोटा सा कंट्री दिख रहा है ये कंट्री है उरुग्वे. कौन सी कंट्री है ये? उरुग्वे है. उरुग्वे कैपिटल हो जाएगा इसका मॉन्टेविडियो. मॉन्टेविडियो इसका कैपिटल है. अब हमने ये ब्राज़ील को मैप किया, बोलीविया, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे. यहां पर जो हमें जो इनके बीचों बीच जो कंट्री दिख रही है इस कंट्री का नाम है पैराग्वे. इस कंट्री का नाम है पैराग्वे. कैपिटल है इसका असुनशियन. कैपिटल क्या है? असुनशियन. असुनशियन इसका कैपिटल है पैराग्वे का. अब कौन कौन सी हमारी कंट्रीज बाकी हैं तो ये रहे, ये ऊपर जो स्मॉल कंट्रीज दिख रही हैं ये कंट्री है फ्रेंच गुयाना. फ्रेंच गुयाना इसका कैपिटल है कैन. इसका कैपिटल है कैन. नेक्स्ट कंट्री जो हमें वेस्ट में दिखेगा फ्रेंच गुयाना के वो है सूरीनेम. वो है सूरीनेम. सूरीनेम कैपिटल क्या रहेगा सूरीनेम का? परामरीबो. परामरीबो. परामरीबो इज द कैपिटल ऑफ सूरीनेम. अब इसके फर्दर सूरीनेम के जो वेस्ट में कंट्री है वो है गुयाना. गुयाना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन. जॉर्ज टाउन जो है ये इसका कैपिटल हो जाएगा गुयाना का. अब इसके वेस्ट में जो कंट्री है सभी को पता है ये फेमस कंट्री है वेनेजुएला. वेनेजुएला है यहाँ पर. यहीं पर एंजल फॉल्स आपको मिलते हैं और निको रिवर पे. वेनेजुएला
वेनेजुएला है और इसका कैपिटल है कराकस. कराकस, कराकस इसका कैपिटल है. अब नेक्स्ट कंट्री जो बची है हमारे पास वो है कोलंबिया. कोलंबिया का कैपिटल क्या है? बोगोटा. कोलंबिया, दिस इज कोलंबिया, इसका कैपिटल है बोगोटा. अब जो लास्ट कंट्री बच गई है वो है इक्वेडोर. इक्वेडोर भी बहुत फेमस है. इक्वेडोर, इक्वेडोर इसका कैपिटल है क्वीटो. इसका कैपिटल क्या है? क्वीटो. इक्वेडोर का कैपिटल क्या है? क्वीटो. यहीं पर आपको बगल में गैलापागोस आइलैंड्स भी दिख जाते हैं इस एरिया में. इस एरिया में गैलापागोस आइलैंड्स हैं और इसके नीचे यहाँ पर आपको ये जो एरिया है यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड्स भी दिख जाएंगे जो कि यूके के अंदर आते हैं. फॉकलैंड आइलैंड्स जो कि यूके के अंदर आते हैं. हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो ब्राज़ील है ये एक वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब दो लाइंस जो हैं ये पास करती हैं, जहाँ से इक्वेटर भी पास कर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही पास करते हैं ब्राज़ील से. तो एकमात्र ऐसा ये कंट्री है. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पर है मैगेलन स्ट्रेट. स्ट्रेट क्या होती है? तो ऐसी वाटर बॉडी जो दो लार्जर वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करे. तो ये है मैगेलन स्ट्रेट. और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस यही कंट्रीज थे इसके. तो इस तरह से वन मोर थिंग, यहाँ पे जो आपको दो कंट्रीज दिख रहे हैं बोलीविया एंड पैराग्वे, ये दो जो हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं. क्या हैं? लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं. इनका कनेक्शन कहीं से भी किसी वाटर बॉडी से नहीं हो रहा. तो साउथ अमेरिका में ऐसे कौन सी कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक्ड हैं? तो आंसर है बोलीविया एंड पैराग्वे. सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द पॉलिटिकल मैप वर्क ऑफ साउथ अमेरिका. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स.